नमस्कार, पारुल भानुशाली की चैनल में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर घर का बना हुआ फ्रेश पनीर लिया है। तो यहाँ पर हमने पहले छोटे से मिक्सर जार में 4 चम्मच हमने मिल्क पाउडर ले लिया और जितना हमारे छोटे वाले मिक्सर जार में आ सके उतना हमने घर का बना हुआ पनीर लिया। आप बाहर का भी पनीर ले सकते हो। मेरे पास करीब यहाँ पर 350 से 400 ग्राम के आसपास पनीर है और यहाँ पर हम 2 बैच इस तरह से करेंगे, मतलब कि जितना मिक्सर जार में आए उतना और साथ में 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर का ले लेंगे। और यहाँ पर हमने मीठे के लिए 4 टीस्पून के जितना खड़ी शक्कर को पीस के लिए, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो, पर ये आउटर लेयर ज़्यादा हमें मीठा नहीं करना है, इसके लिए मैंने थोड़ी सी कम मात्रा ही खड़ी शक्कर की ली है। आप मीठापन और ज़्यादा भी कर सकते हो, पर हम यहाँ पर सेंटर फिल भी करने वाले, इसके लिए हमने कम ही चीनी का यूज़ किया है। तो हम पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम धीमी आंच पर गैस पर इसे पकाएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा मिल्क पाउडर वाला और जो पनीर वाला मिश्रण जो है वो तलिए में चिपक ना जाए। तो जैसे ही ये गर्म होगा तो ये मिश्रण जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने खड़ी शक्कर ली है ना उसका भी तो पानी छूटेगा। और यहाँ पर हम थोड़ी देर इसे पकाएंगे तो ये मिश्रण जो है हमारा ठीक हो जाएगा, मतलब कि घट हो जाएगा और जो हमने खड़ी शक्कर ली है ना वो भी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फिलिंग के लिए 4 से 5 ऐसे पान जो मिलते हैं वो लिए, उसे धोकर सुखा करके लिया। इसे हम बारीक कट करके ले लेंगे ताकि इसके अंदर कोई पतली सी डंडी होती है ना वो हम निकाल सके। आप यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग फिलिंग पसंद करते हो तो थोड़े से और भी पान ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पान को कट कर लिया और साथ में हमने 4 चम्मच के आसपास नारियल का बूरा ले लिया है और 1 चम्मच सौंफ ले लिया है। और यहाँ पर हम कश्मीरी सुगंध जो आती है वो ले लेंगे 1/4 टीस्पून, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और साथ में 2 चम्मच के आसपास काजू के टुकड़े, और इसे हम सारी सामग्री को मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि ड्राई कोकोनट और जो हमारा काजू है उसकी वजह से हमारे पान का इसमें अच्छा सा चर्न हो जाएगा और एकदम अच्छे से हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसमें ले लेंगे 1/4 टीस्पून मीनाक्षी चटनी, 2 चम्मच हम ले लेंगे टूटी फ्रूटी और 2 चम्मच के आसपास हम इसमें गुलकंद ले लेंगे। आप चाहें तो साथ में फ्रेश वाले गुलाब की पत्तियों को भी क्रश करके ले सकते हो, और कोई एकादी सामग्री आपके पास ना हो तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो, और कोई सामग्री आपको थोड़ी ज्यादा पसंद हो तो इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो। सारी सामग्री को अच्छे से मिलाकर इसका एकदम अच्छा सा गोल बना लेंगे और लास्ट में हम इसमें ले लेंगे पान में जो होती है चेरी। यहाँ पर हमने सिर्फ सुपारी को ही स्किप किया है और काथा और चूना तो वैसे इसमें सेट नहीं होगा। अब ये सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हमने अच्छे से इसको बाइंडिंग करने के लिए 2 चम्मच नारियल का बुरादा ले लिया है और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और एकदम ही अच्छे से ये मिश्रण सारा एक साथ मिक्स हो चुका है। इसमें हम और थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेकर नॉर्मली हम ऐसे पान बॉल्स सर्व भी कर सकते हैं। तो है ना एकदम 2-in-1 रेसिपी, आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी और माउथ फ्रेशनर जो है। तो यहाँ पर हमने सारे ऐसे पान के बॉल्स बना लिए और एक तरफ हमारा जो ये पनीर वाला मिश्रण है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसमें से हम एक छोटा सा गोला बना लेंगे और जो हमारा मोदक वाला साँचा आता है उसमें भर देंगे। आपके पास मोदक वाला साँचा ना हो तो हमने आपके साथ बिना मोल्ड चॉकलेट के मोदक की रेसिपी शेयर की थी, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो। और बीच में इस तरह से हम इसमें गैप रखेंगे, मतलब कि आउटर लेयर पूरा हमारा वाइट होगा और बीच में हमारा पान का फिलिंग। इस तरह से हम बीच में गैप करके पान का फिलिंग की जो हमने गोटी बनाई थी छोटी सी वो इसमें भर देंगे और अच्छे से प्रेस करके इसको हम दबाकर फिर हल्के हाथों से इसे खोल देंगे। तो देखिए हमारा सेंटर फिल पान मोदक बहुत ही आसानी से बनकर तैयार है, ना कोई तानजान और ना कोई एक्स्ट्रा इसमें मेहनत। तो अभी हमने इसके लिए एक प्लेट में पान के पत्ते ले लिए, उसके ऊपर हमारे सेंटर फिल पान के मोदक को बोक के लिए रख देंगे। आपके साथ मैंने और भी मोदक
और लड्डू की भी रेसिपी शेयर कर दी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। प्रसाद के लिए सारे वीडियो एकदम परफेक्ट है और एक मोदक को हमने कट भी कर लिया है। देखिए है ना एकदम कलरफुल और मुंह में घुल जाने वाला, माउथ वाटरिंग माउथ फ्रेशनर।